दोस्तों आज हम जानेंगे व्हाट इज टिश्यू और टिश्यू के बारे में और चीज़ें भी जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। और ये क्लास 9th का चैप्टर है साइंस का, व्हाट इज टिश्यू, यानी कि हमारा टिश्यू होता क्या है। चैप्टर आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम जानेंगे टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले तो यही, आज से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू के बारे में तुरंत टाइम लगाते हुए लिखेंगे टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं आ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन। दोस्तों ये है टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर में सिमिलर हो इन स्ट्रक्चर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल मान लीजिए आप, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, वो एक पार्टिकुलर फंक्शन अचीव करना चाहता हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब इसके बारे में एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं इसे ब्लड, ये में हमारा टिश्यू है। मान लीजिए ब्लड का सिमिलर स्ट्रक्चर है कोई, तो ब्लड टिश्यू हो जाएगा। मसल्स, ये भी एक हमारा टिश्यू है। एंड ऑल आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, और बाकी चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा, हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टिश्यू के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये आज आपने पढ़ा, इसको आप पूरा एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये टिश्यू की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। अब इसके बारे में हमने जाना, फिर उसके बारे में हम जान सकते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन कई लोगों ने बचपन से सुना होगा, बचपन में ऑर्गन आपने सुना होगा कि ऑर्गन के बारे में कि ऑर्गन होता क्या है। तो आज हम ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंट टिश्यू जान सकते हैं, डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा, पूरी डेफिनेशन आपको जोड़ के बताऊंगा कि डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर इन द लार्जर फंक्शन यूनिट। देख सकते हैं हम यहाँ पे इन द larger function unit, ठीक है, is called organ। यानी कि organ होता क्या है। different tissue group together in the larger function unit is called organ। यानी कि organ यानी कि, तो दोस्तों ऑर्गन, हमने अभी ऑर्गन की डेफिनेशन जानी है, डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर इन द लार्जर फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे के बारे में जानेंगे कि ऑर्गन क्या होता है। और टिश्यू का चैप्टर है, पूरा नाम इस चैप्टर का टिश्यू है, तो जाहिर सी बात है हम टिश्यू के बारे में ही आगे जानेंगे। इसके बारे में आपको बता दूँ कि हम इसके बाद पढ़ सकते हैं जो टिश्यू के डिफरेंट टाइप हैं, टिश्यू के डिफरेंट टाइप हम पढ़ सकते हैं, जो कि दो टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे, हम सबको पता है या किसी को नहीं पता होगा। आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सेल के बारे में पता होगा, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है। तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक तौर पे कि प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड of different tissue। प्लांट और एनिमल के, यानी कि दो प्लांट और एनिमल के टाइप में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। अब हम जानेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट टिश्यू
और एनिमल टिश्यू। तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में भी आ चुके हैं कई बार कि प्लांट क्या होता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है। हम जान सकते हैं इन प्लांट, बता दूं आपको, इन प्लांट डेथ सपोजर टिश्यू आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेथ, ठीक है, डेथ सपोर्टेड टिश्यू आर मोर कॉमन, यानी कि इसका डेथ सपोर्टेड टिश्यू आर मोर कॉमन या फिर देन या फिर एज कंपेयर टू, कुछ भी लिख सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, एज कंपेयर टू लिविंग, एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू या लिविंग टिश्यू भी ले सकते हैं क्योंकि आपने कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया डेथ सपोर्टेड टिश्यू आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। अब हम देख सकते हैं कि हमें तो पता है इन मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि एनिमल की बात करें तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल। अब आप अपने दिमाग में सोचिए मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या हो सकता है। मल्टी सेलुलर एनिमल में हम लिख सकते हैं जब यहाँ पे डेथ कॉमन है तो जाहिर सी बात है हम लोग एनिमल में ही आते हैं, तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन, लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन, ठीक है, लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन देन डेथ सपोर्टेड टिश्यू या डेथ टिश्यू भी ले सकते हैं, डेथ सपोर्टेड टिश्यू, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन जान ली, ठीक है। अब हम ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ने बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू सिंपल होता है, यानी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी सिंपल होती है। अब यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे एक जरूरी पॉइंट कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ प्रेजेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ और यूनिफॉर्म ग्रोथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ और यूनिफॉर्म ग्रोथ से क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है इसका। नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब कि जैसे कोई पेड़ की स्टेम, मान लीजिए प्लांट है, इस प्लांट की लीफ ही कोई बड़ी है, कोई कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी है, फिर ये और छोटी है, फिर ये कुछ ज़्यादा बड़ी है, यानी कि इनमें नॉन यूनिफॉर्म, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई वो है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम एक मानव की बात करें, मानव, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग में बात करें तो हमारा हाथ और मुँह यूनिफॉर्म ग्रोथ में चलता है, हमारा जितना ज़्यादा बड़ा हाथ होगा उतना ज़्यादा बड़ा हाथ होगा। दोस्तों आज हमने जाना कि इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हमने बारे में भी पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मतलब मैंने आपको पढ़ाया। तो ये चीज़ थी हमारी एनिमल टिश्यू और नॉन एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के अंदर भी हमारे मेरिस्टेमिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू मतलब मेरिस्टेमिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये पहला पार्ट है प्लांट का। प्लांट टिश्यू के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक मेरिस्टेमिक टिश्यू भी होता है, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, परमानेंट टिश्यू हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइडनेस ऑफ द प्लांट या रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग्स जो बनती है आपके पेड़ के अंदर। और एक अननोन फैक्ट बता दो, तो दोस्तों अब हम ये रोचक फैक्ट जान सकते हैं कि जितना इस पेड़ में रिंग बनी होगी, आपने देखा कभी पेड़ कटा होगा आपके बाग में या आप गांव गए होंगे, आपने देखा जितना रिंग बनी होती है यानी कि उतने साल पुराना है, वन ईयर में एक रिंग बनती है इसमें। अब एनिमल टिश्यू की बात करें अगर हम दोस्तों, तो एनिमल टिश्यू में भी हमारे कई टाइप के टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, और इसके बारे में हम जानेंगे
आगे चल के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।